पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, जितना बुद्धि का योगदान है सीखने और सिखाने में, जितना बच्चे की बुद्धि के बारे में आपको जानना जरूरी है, उतना ही अपने बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अल्पोर्ट ने कहा, पर्सनालिटी इज अ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। अगर अल्पोर्ट के इस डेफिनेशन का आप थोड़ा विच्छेदन करें, थोड़ा इसको तोड़ मरोड़ के समझने की कोशिश करें, तो फर्स्ट थिंग व्हाट अल्पोर्ट वाज सेइंग दैट इट इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात व्यक्तित्व चलनशील है, परिवर्तनशील है, विद इन द इंडिविजुअल व्यक्ति की होती है, और व्यक्ति के साइकोफिजिकल सिस्टम्स, अर्थात साइको मींस इंटेलेक्चुअल सिस्टम्स एंड फिजिकल मींस बॉडीली सिस्टम्स, शरीर के तंत्र, तो बुद्धि और शरीर दोनों तंत्रों के बीच एडजस्टमेंट है कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात इसमें बदलाव होते रहते हैं, निरंतर परिवर्तनशील है, साइकोफिजिकल सिस्टम्स इन्वॉल्व है, अर्थात आपका इंटेलेक्ट और आपकी बॉडी दोनों चीजें डिसाइड करते हैं कि दी गई परिस्थिति में आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से एडजस्ट होंगे। आइजिंक की डेफिनेशन जरा इसके साथ पढ़िए। आइजिंक ने कहा, पर्सनालिटी इज मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। तो कॉमन क्या है दोनों में? यूनिक एडजस्टमेंट इन द एनवायरमेंट। इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से परिवेश में, वातावरण में एडजस्ट होता है। सबकी पर्सनालिटी एक जैसी नहीं हो सकती, और पर्सनालिटी केवल रूप रंग शारीरिक बनावट ही नहीं है, पर्सनालिटी में उसका चरित्र, उसका टेम्परामेंट, उसकी बुद्धि, वो किस तरीके से समाज के साथ, व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा है, ये सब सम्मिलित है। सो पर्सनालिटी इज अ कॉम्प्लेक्स होल, इट इज नॉट समथिंग इट ओके ही और शी इज लुकिंग वेरी गुड सो वेरी हैंडसम और वेरी ब्यूटीफुल, इट डजेंट मीन ही और शी is having very good personality. So don't get confused the personality with the physique or the physical appearance. Physical appearance is a part of, is a contributor to the personality, but it is not only personality. When we talk about personality, we talk about many things. Personality से जुड़े भी कुछ myths हैं जिनको हमें आज break करने की जरूरत है। पहला myth ये है, personality cannot be developed. किसी के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो लोग, दो तरह के विचारधारा मानने वाले लोग हैं। जो नेचुरलिस्ट हैं वो कहते हैं जैसी पर्सनालिटी नेचर ने उसे दी है वो वैसा ही होगा, ये प्रकृति प्रदत्त है व्यक्ति का व्यक्तित्व। लेकिन बिहेवियरिस्ट को जरा याद करिए, वाटसन का स्टेटमेंट याद करिए जो कहता था, मुझे बच्चे दे दीजिए मैं किसी को कुछ भी बना सकता हूं। मीन्स द नर्चर, उसका लालन पालन उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो पहला डिबेट, पहला मिथ यही है कि व्यक्तित्व का निर्माण अपने आप होता है, नेचुरल, या नर्चर, उसके लालन पालन से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दोनों का योगदान है, लेकिन पर्सनालिटी में आप देखेंगे नर्चर इज मोर प्रोमिनेंट देन नेचर। देन अनदर डिबेट इन द पर्सनालिटी इज दैट देर आर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सनालिटी, कि कुछ व्यक्तित्व सफल होते हैं और कुछ व्यक्तित्व असफल होते हैं। नहीं, व्यक्तित्वों में कुछ भी सफलता और असफलता जैसा नहीं होता, व्यक्तित्व व्यक्तित्व होता है। किसी की पर्सनालिटी सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल नहीं होती, पर्सन सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल हो सकता है इन अ गिवन सिचुएशन। किसी एक परिस्थिति में यदि व्यक्ति अनसक्सेसफुल है, इट डजेंट मीन कि वो हर परिस्थिति में अनसक्सेसफुल। किसी एक परिस्थिति में यदि व्यक्ति सक्सेसफुल है, इट डजेंट मीन कि वो हर परिस्थिति में सक्सेसफुल है, क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड है, आपकी लर्निंग है, वो इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तीसरा मिथ है, पर्सनालिटीज कैन बी टाइपिफाइड, कि हम व्यक्तित्वों को स्वरूपों में बांट सकते हैं, तरीकों में बता सकते हैं, इसकी अच्छी पर्सनालिटी है, इसकी खराब पर्सनालिटी है, इसकी इंप्रेसिव पर्सनालिटी है, इसकी डल पर्सनालिटी है। नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते।
यहां डिबेट है यूनिकनेस वर्सेस लेबलिंग, पर्सनालिटी में यूनिकनेस होती है या पर्सनालिटी में लेबलिंग होती है, अर्थात उसको हम कोई लेबल दे देते हैं। प्यूरिस्ट मानते हैं पर्सनालिटी यूनिक होती है, वी कैन नॉट लेबल द पर्सनालिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल, बट जो पर्सनालिटी थियरीज देने वाले लोग हैं, खासतौर पर टाइप थियरीज देने वाले लोग, वो कहते हैं नहीं, पर्सनालिटी के कुछ टाइप्स होते हैं तो हम लोगों की पर्सनालिटी को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां भी फिर डिबेट है यूनिकनेस वर्सेस लेबल।